morning, everyone, and have a very good and bright morning. So, मैं अब जो है ये दिस इज सोलो व्लॉगिंग जो कि मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रही हूँ. आपको दिख रहा होगा मेरा रूम. तो आपको मैं बता दूँ कि आज से सोलो व्लॉगिंग होगी टिल आई विल बी बैक टू माई होम टाउन फॉर सम मोर डेज. तो वहाँ से फैमिली व्लॉगिंग के कुछ और आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं जाऊँगी शीन के बर्थडे पे. कब जाऊँगी दैट इज़ नॉट अभी फिक्स नहीं है, शायद 18th को जाऊँगी. सो आपको जो मैं आज बताने वाली हूँ एक अपडेट, वो ये है. अपडेट क्या है, जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ. पहले तो आप मेरे नेल्स देखिए, बताना मुझे कमेंट्स में कि कैसे लगे आपको मेरे नेल्स. मैं हर मंथ नेल एक्सटेंशन करवाती थी. दिस इज द ओनली पैशन आई हैव जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे करवाना अच्छा लगता है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फुटवेयर, ऑल दो आई हैव अ लॉट विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बट आई एम नॉट वो जिसको कहते हैं ना पैशनेट होना बहुत अच्छा लगता है करना, वो ये वैसा कुछ भी नहीं है. बट येस, मुझे ये नेल्स करवाना बहुत अच्छा लगता है, एक्सटेंशंस कराना बहुत अच्छा लगता है. मैंने पिछले 3 महीने 4 महीने से नहीं करवाए थे क्योंकि मुझे सीरियसली बताओ मुझे टाइम ही नहीं मिला. और जम्मू से मैं नहीं करवाती हूँ, मैं गुड़गांव से ही करवाती हूँ. तो मैंने फाइनली अपने नेल एक्सटेंशंस करवा दिए हैं. मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स, ज़रूर बताना. तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, आपने मेरा रूम देखा है, इट्स वेरी प्लेन एक्चुअली. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, सिर्फ ये एक है जो वॉल हैंगिंग शीन ने लगाई थी, ये है ऊपर. मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ वेरी प्लेन. ये वाली वॉल भी अगर आपको दिखाऊँ, ये साइड वॉल है, ये वाली बहुत प्लेन है. फिर यहाँ पे हमारा जहाँ पे एलईडी लगी है, ये भी बहुत सी एक बस ये सीनरी है एंड अगेन प्लेन वॉल है. तो मैंने अमेजोन से कुछ थोड़ा बहुत कुछ मंगाया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मंगाया है. वॉल स्टिकर मंगाए हैं एक दो, एंड मैंने कुछ कोट्स मंगाए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी सेल चल रही थी, बहुत अच्छे प्राइस पे मिला, बहुत कन्वीनियंट प्राइस पे मिला, तो मैंने उसको ऑर्डर कर लिया है. जैसे वो आएंगे आई विल शेयर इट विद यू कि मैंने क्या क्या मंगवाया है, और उसको मैं लगा के भी आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूम में वो कैसा लग रहा है, मेरे रूम की शोभा कैसे वो बढ़ा रहा है. आई एम फॉन्ड ऑफ कार्टून स्टिकर्स अ लॉट. तो मैंने एक शायद कार्टून को मुझे याद भी नहीं है, हाँ एक दो आई थिंक कार्टून का स्टिकर्स मंगाए हैं. एक स्टिकर मैंने किचन के लिए मंगाया है क्योंकि किचन का जो साइड वॉल होती है, जो टाइल्स, वो साफ करने के बाद भी कई बार क्या होता है वो स्पॉट्स रह जाते हैं. तो मैंने शीट टाइप एक मंगाया है जो कि स्पेशली किचन स्टिकर है, किचन की वॉल्स टाइल्स के लिए स्टिकर है, तो वो भी मंगाया है. तो वो भी आएगा जब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी, तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको. अब मैं आपको बता दूँ, मैंने अमेजोन से और एक चीज़ मंगाई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेड को मैंने ऑफ कर दिया है. तो मैं खुद ही अब यहाँ पे झाड़ू पोछा जो मॉपिंग वगैरह होती है, मॉपिंग शॉपिंग नहीं, जो झाड़ू पोछा होता है, सिंपल लैंग्वेज, हिंदी देसी लैंग्वेज, झाड़ू पोछा होता है, वो मैं खुद क्या करूँगी. हफ्ते में चाहे दो बार, एक बंदे का कितना ही गंद होता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग कर ली हफ्ते में दो बार, दैट्स इनफ. तो मैं एक्चुअली पोछा झुक के नहीं लगा सकती हूँ, आप ओवर वेट की वजह से कह लो या जो भी मर्जी भी बोलो, तो मुझे एक्चुअली बैक एक होने लगता है, तो मैं पोछा बैठ के नहीं लगा सकती. तो मैंने एक मॉपिंग बकेट भी ऑर्डर की है अमेजोन से, जो कि अगेन मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गई है. तो जब वो भी आ जाएगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी. संडे से आने प्रोडक्ट हो जाएंगे स्टार्ट, तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या मंगाया है. तो अभी का मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, मैंने गोभी बनाई थी, फुल्का गोभी, चाय मैं पी चुकी हूँ, उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी एक्चुअली, सुबह जल्दी जल्दी मैं बनाया तो वो मैं बना चुकी हूँ. तो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो, क्योंकि मैं अभी 40 days यहाँ पे नहीं थी, तो घर पे जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें होती हैं जैसे लाइक मैगी, बिस्किट्स, ऑयल वगैरह तो अभी है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो मुझे मंगानी है, ऑल आउट वगैरह मंगाना है. तो वो मुझे मैं सोच रही हूँ बिग बास्केट से ऑर्डर करूँ या खुद यहाँ पे ग्रोसरी शॉप है, 2-3 बिग बाज़ार भी है, उधर जाके खुद देखूं. आई थिंक मैं बिग बास्केट से ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि बाहर जाने का मेरा भी मन नहीं है बिल्कुल भी. ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे भी, फॉग है, पता नहीं वो फॉग है कि पोल्यूशन है वो मुझे नहीं पता, तो फॉग भी हो रही है और कल बारिश भी बहुत हुई थी तो उसकी वजह से क्लाउडी है. मतलब मैं परसों की आई हूँ तो परसों से तो मेरे को यहाँ पे क्लाउडी ही दिख रहा है, क्लाउड्स ही दिख रहे हैं. तो अब मैं ऑर्डर कर सोचूं बिग बास्केट से ऑर्डर कर देती हूँ, एक बार ऑर्डर करती हूँ, फिर आपको जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगे कल सुबह तक शायद आ जाएंगे, तो आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में वो भी देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या मंगाया था, वो आपसे मैं शेयर करूँगी. और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोगों से मैं वैसे वैसे शेयर करती जाऊँगी.
आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, अब ये सोलो ब्लॉगिंग है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वो रेड वाला जो बटन है उसको जितना मर्जी हिट करो, बस डबल हिट मत करना नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कर चुकी हूँ, अभी मैंने झाड़ू लगाया था अपने रूम्स में, तो झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा मेरे से नहीं लगता, वो मॉपिंग बकेट आएगी संडे, बता रहे हैं कि आएगी संडे, जब आएगी तो मैं संडे को पोछा मारूंगी। फिलहाल यहाँ पे कल से लाइट नहीं है, कल शाम से, आज तो काम, ऑफिस का काम करते करते मेरा इन्वर्टर भी ड्रेन हो गया था, पूरी तरह से अंधेरे में बैठी थी, सुबह के 4 बजे सब लाइट लूट बंद हो गई थी क्योंकि लाइट नहीं, और लाइट अभी तक बीच में आई थी 1-1.5 घंटा, वो भी सिंगल फेज लाइट थी, और बहुत प्रॉब्लम है गुड़गांव में एक्चुअली लाइट को लेके, मतलब जम्मू, आई विल से इट्स नॉट अ स्मॉल सिटी बट इट्स नॉट दैट मच बिग कंपैरेटिव टू गुड़गांव, और गुड़गांव आई विल से, बट जम्मू में इतनी लाइट, अभी मैं अभी सुबह ही बात कर रही थी कि जम्मू में लाइट की मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी, बट यहाँ पे मुझे इतनी, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत होना कि आपका इन्वर्टर भी ड्रेन हो जाए, जो कि इन्वर्टर मेरा इतना अच्छा बैकअप देता है, एटलीस्ट 8-9 घंटे का बैकअप देता है, क्योंकि सिंगल फैन, मतलब फैन तो अभी चल ही नहीं रहा, सिर्फ मेरा सिस्टम चलता है इन्वर्टर पे और लाइट चलती है, तो वो भी उसकी, वो भी बंद हो जाना, तो अब लाइट जब आएगी, मैंने सोचा था आज बेडशीट वगैरह थोड़ा धो लूँगी, थोड़े कपड़े धो लूँगी, बट वो आई डोंट थिंक पॉसिबल हो पाएगा, तो अब देखते हैं कब लाइट आती है और मैं कब ये सब कुछ कर पाऊँगी। यार मैं ना बाजार से खुद ही ले आती हूँ, थोड़ा सा ही सामान मुझे चाहिए, ऑल आउट चाहिए, और एक फिनाइल चाहिए, डेटॉल चाहिए, और मैंने सोचा कि मुझे ना कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, तो मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। मेरा चेहरा क्या कुछ ज़्यादा वाइट लग रहा है? नहीं, मुझे ही लग रहा है। तो मैं ना खुद ही जाके ले आ रही हूँ सामान वगैरह, तो आप भी चलिए मेरे साथ, तो चलिए, क्योंकि थोड़ा सा सोच रही हूँ, थोड़ा सा फ्रूट भी ले लूँगी, और 2-3 सामान हैं, फालतू में डिलीवरी चार्जेस देने हैं, खुद ही जाके बंदा ले आता है, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल लूँगी, पहले मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का, ठंड है, मैंने तो शॉल ले ली है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो चलिए चलते हैं और सामान ले लेते हैं, अपने बाबा जी का झोला भी उठा लिया मैंने, तो चलते हैं झोला उठा के झोल करने। मैं अपना मास्क ही भूल गई थी, मास्क लेके आई हूँ ऊपर से, अब जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एटीएम से पैसे, उसके बाद ही सारा जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो हम ले पाएंगे। एक ही एटीएम के 4 मशीन्स एक ही उसमें लगी हैं, लेकिन उसमें से एक भी नहीं चल रही चारों में से। अब वो मेडिसिन मैं जिनसे लेती हूँ, मैंने उनको गूगल पे किया और उनसे अभी कैश, उनको बोला कि भैया मुझे थोड़े पैसे दे दो, तो उनको गूगल पे करके उनसे कैश लिया। ये हालत है हमारे इधर गुड़गांव की, बड़ी सिटीज़ की। तो चलिए पहले अब ले लेती हूँ यार सामान, ले लेती हूँ पहले जो थोड़ा बहुत लेना है, तो उसके बाद टपरी पे चाय पीने का भी मन है, उधर चाय पी लूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे जिनसे मैंने ग्रोसरी ली, वो उन्होंने मना कर दिया वीडियो बनाने से, एक्चुअली उनको लगा कि आई एम फ्रॉम अ न्यूज़ चैनल, तो एंड में जब मैंने सामान वगैरह मतलब सारा परचेज कर लिया, उसके बाद में ही आस्क्ड मी कि आप न्यूज़ चैनल से हो, मैंने बोला नहीं मैं न्यूज़ चैनल से नहीं हूँ, मेरा ऐसे ऐसे चैनल है, तो उसको मुझे बोलते कि भैया कि आई थॉट कि आप किसी न्यूज़ चैनल से हो एंड दैट इज़ द रीज़न आई डिनाइड, तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या परचेज़ किया है मैंने, क्या लिया है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सामान घर का लेना था वो लिया है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट नहीं है, तो अभी फ्रूट लेना है थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने का मन है मेरा, तो चलिए चलते हैं। आ गई हूँ मैं अपने चाय पॉइंट पे, भैया से, सूरज भैया चाय देना छोटी वाली। ये आ गई है चाय, बहुत टेस्टी चाय होती है यहाँ की, मैंने आपको पहले भी बताया है, आती रहती हूँ यहाँ पे बहुत बार, तो मन कर रहा था अकेला वही बैठ के, तो अब थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, बहुत टेस्टी चाय होती है।
आप लोग भी कभी आइए, ट्राई करिए इधर, सूरज भैया इनका नाम, यहाँ पे ट्राई करिए आकर। चलिए चाय तो पी ली, अब ले लेते हैं थोड़ा सा फ्रूट अंकल से, जिनसे मैं सब्जी लेती हूँ उन्हीं से फ्रूट ले रही हूँ। बड़ा महंगा बता रहे थे कल, आज देखते हैं थोड़ी बार्गेनिंग स्किल्स अगर काम आई तो। शोर बड़ा होता है इधर यार। कौन सा 130 है ये वाला, और ये कितने का ये वाला? वो तो बेकार है बिल्कुल, बेकार नहीं है। संतरे कैसे हैं? संतरे बढ़िया। किस तरह है? 70 रुपए। 70 रुपए 2 किलो लेने, कितने के लगाओगे? एक ही भाव लगेगा। आपसे मैं सब्जी वगैरह लेती हूँ, कम नहीं करोगे? कम करो थोड़ा, वीडियो में ले रही हूँ देखो आपको। कितना देना? 2 किलो। हाँ 2 किलो लेने। 100 लगा लो। 100 में क्या मिलेगा मेरे? अरे भैया मिल जाएगा, पेटी है। अब 2 किलो कितने का लगाओगे? 10 रुपए कम दे दीजिएगा। 120 लगा लो अब, ठीक है। ये लीजिए। एक सौ तीस क्यों, 120 बोला? ये अमरू, ये क्या है, चीकू है क्या? वो चीकू है। किस तरह है? 80 रुपए किलो। बड़ा महंगा है। अमरूद? अमरूद 100 रुपए। 100 रुपए, चलो थैंक यू। तो इधर ले लिया मैंने फ्रूट भी, बड़ी मुश्किल से बार्गेनिंग की, 70 रुपए से कम मान नहीं रहे थे। तो 60 का केजी लिया है, तो बस अब ऑटो का वेट कर रही हूँ, ऑटो मिल जाए तो निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ करनी पड़ी मुझे, बड़ा देर आ रहा है, बाद में करती हूँ। पहुंच गई हूँ मैं घर, चढ़ रही हूँ घर की पौड़ी, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा। इधर फॉरएवर हमेशा अंधेरा ही रहता है। आपको चीज़ें दिखाने से पहले ना आपसे एक हंसी वाली बात शेयर करती हूँ। ऑटो वाले भैया को मैंने बोला, उन्होंने मास्क नहीं डाला था। मैंने उनको कहा भैया आपने मास्क क्यों नहीं डाला है, सांस चढ़ रही है। मैं बोला भैया आपने मास्क क्यों नहीं डाला? कहता मैडम जी, पहले तो चुप रहा, फिर 2 मिनट के बाद बोलता मैम आपने गुड़गांव में किसी को देखा है क्या मास्क डाले हुए? मैंने बोला हाँ लोग तो नहीं डालते, कम डालते हैं, पर आपकी अपनी सेफ्टी की बात है। तो मुझे कहता मैम जो भगवान ने करना होगा, जो भगवान की मर्जी होगी तो वो तो होगा ही। मैंने बोला कि भगवान ने लेकिन ये थोड़े ना बोला कि अपनी सिक्योरिटी मत रखो, अपनी मतलब केयर मत करो, बिना मास्क के घूमो। और ये चीज़ मैंने आपसे जब मैं जम्मू में थी ना तब भी आप लोगों से शेयर की थी कि एक मिनट मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, मैंने तब भी आप लोगों से शेयर की थी यार लोग ना बिंदास घूम रहे हैं बिना मास्क के। यार कोरोना ख़त्म थोड़ा ना हुआ यार, कोरोना छोड़ो वो दूसरा जो वेरिएंट आ गया है। चलो ये बताती हूँ, और एक और मज़ेदार बात, मतलब ये रस्ते में बातें हुई थी तो वो आपको बतानी थी। दूसरी बात, जब मैंने आपको बताया ना ATM में पैसे नहीं है, तो मैं वो मेडिकल शॉप जिनसे मैं दवाई लेती हूँ उनके पास गई, तो मैंने उनसे पैसे मांगे और उनको गूगल पे किया। तो वो मुझे बताते, मैंने बोला भैया कि आपके ये ATM जो साथ वाले, एक ही मतलब वो एक ही ऐसे शॉप सी है, उसमें 4 वो ATM लगे हैं ICICI बैंक के, तो वो चारों नहीं चल रहे, किसी का मतलब वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैशलेस पेमेंट हो रही है, मुझे नहीं आता करना किस तरह होती है वो, आई डोंट नो। तो वो किया तो ये चीज़ हुई। तो भैया मुझे कहते हैं मैडम आपको क्या बताऊँ, यहाँ तो कोई किसी का कार्ड लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं, सेम का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टेट बैंक का कार्ड है तो वो बंदा भी उसके हाथ में भी स्टेट बैंक का कार्ड होगा, वो आपको बोलेगा लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, स्टेट बैंक का कार्ड आपका लेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो जो बेचारा ले मैन होगा वो तो दे देगा अपना कार्ड, अपने पिन शिन वो बता देगा, वो उसकी उसको लगेगा वो उसकी हेल्प ही कर रहा है, हेल्प करने के चक्कर में वो उसके क्या करता है कार्ड जो है वो ना रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, और उसके बाद में उसके कार्ड से पैसे निकालते थे। कहते 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। मैंने बोला भाई ये लोग ही ऐसे होंगे जो शेयर करेंगे ऐसा, मतलब अपनी पिन वगैरह, यार मैं तो कभी ना करूं और किसी को करना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा मेरी बार्गेनिंग स्किल्स, 70 रुपीज़ का उसने ये ऑरेंज केजी बोला था, पर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से 60, मैंने तो 100 ही बोला था, बट फिर मुझे लगा नहीं यार बेचारे ये लोग भी मेहनत से लाते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे 60 का वो 130 काट रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं मैंने तो आपको 120 बोला, तो फिर उन्होंने लास्ट में बेचारा ने 120 लगाया। तो ये ऑरेंजेस लाए हैं मैंने, 2 kgs लाए हैं, आ गए मेरे बैग में गिर गए हैं, बाद में खाती हूँ, बाद में इनको इकट्ठा करती हूँ, टाइम निकल जाएगा नहीं तो इसी में। तो बाप को बताती हूँ मैं लाई क्या क्या हूँ।
तो सबसे पहले तो मैं लाई हूँ भाई डेटॉल। ये डेटॉल बहुत ज़रूरी है घरों के लिए। डेटॉल का लाई हूँ, ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है और इसकी जो क्वांटिटी 250 ml है, ये 250 ml मुझे पड़ा है, ये 116 का। तो मुझे घर में, मैं मतलब इसका स्प्रे भी करती हूँ अपने स्टेशन पे, मतलब जो जो मेरे घर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब अपना क्लीन होना चाहिए। आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें नहीं कर सकते, हर जगह आप अपनी क्लीनिंगनेस नहीं कर सकते हो, बट हाँ जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ आपको करना चाहिए। और अपने मैं पोचे में डालती हूँ, मतलब पोचे में मैं जो फिनाइल होती है वो तो डालती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं थोड़ा सा एक ढक्कन डेटॉल का ज़रूर डालती हूँ। पता नहीं ये स्टार्टिंग से आदत है और मुझे इसकी खुशबू भी एक्चुअली अच्छी लगती है, एक और रीज़न है। दूसरा मैं लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ लाइजॉल 10x। हंसो हंसो, तो ये मैं लाई हूँ, ये है यार कितना मिलीलीटर का है ये, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ लिखा होता है 500 ml, आधा किलो, आधा लीटर है, 98 रुपीज़ का है। तो ये लाई हूँ मैं डिसइनफेक्टेंट सरफेस क्लीनर साइट्रस। मैंने उसको स्पेशली बोला, मुझे अलग अलग फ्लेवर दिखा रहा था, फलाना ढमकाना ये वो, मैं बोला नहीं मुझे साइट्रस फ्लेवर चाहिए क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। फिर और मैं लाई हूँ ये ऑल आउट, दो रिफिल है इसमें, 16 रुपीज़ ऑफ मिला है ये, क्योंकि मेरा महीने में दो लग जाते हैं। यहाँ पे 24 आवर्स लिक्विडेटर चल रहा होता है, अगर आप अभी भी देखोगे चल रहा है, हाँ वो तो चल रहा है, पीछे लिक्विडेटर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर होगा इक्का दुक्का ही, लेकिन इतना जहरीला होगा कि खा जाएगा आपको। तो उसके बाद मैं लाई हूँ ये एयर के पावर पॉकेट जो कि 30 डेज चलते हैं, ये 55 का एक था। ये मैं एक्चुअली, ये भी मैं साइट्रस इसमें लेती थी, जो लेमन फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद है वो साइट्रस, जो लेमन फ्लेवर आता है, बट वो था नहीं, तो मैं लाई हूँ लेवेंडर ब्लूम एंड सी ब्रीज। ये सी ब्रीज है, ये लेवेंडर ब्लूम है, ब्लूम मुझे ब्लूम कर दिया है, 30 डेज तक चलता है, बट मुझे 30 डेज तक मुझे नहीं लगता चलता है, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, हार्डली 15 दिन चलता है और ख़त्म हो जाता है, पता नहीं मुझे। अब ये मैं इसमें पहले यूज़ करूँगी लेवेंडर ब्लूम, क्योंकि आई नो सी ब्रीज अच्छा ही होगा, तो पहले मैं लेवेंडर ब्लूम यूज करूंगी। और है मेरी लिस्ट में लास्ट प्रोडक्ट जो स्टिक हुक्स होते हैं, ये मुझे चाहिए था किचन में एक लगाना था, और मुझे ये एक वॉशरूम, ये अंदर वाले इस छोटे वाले वॉशरूम में भी लगाना था, क्योंकि यहाँ पे हैंगर नहीं है, टॉवल हैंगर नहीं है, तो एक मुझे वहाँ लगाना था। वहाँ मैंने कील में ऐसे टांगी हुई है टॉवल, अच्छी नहीं लगती, खुद को अच्छी नहीं लगती, कोई आए ना आए आई डोंट केयर, तो ये अपने लिए लगाना है मुझे। तो इसमें उन्होंने बोला टू, ये इस पर लिखा है स्ट्रॉन्ग 2 kg तक है ये लोड लेता है, बट भैया ने बोला 2 kg तक लोड वोड नहीं लेता, डिपेंड्स कि इसकी डबल टेप कैसी होगी। अब मैं डबल टेप को क्या करना है, अगर उतर भी जाएगा तो मैं डबल टेप लगा लूंगी। सो दिस वॉज ऑल माई शॉपिंग हॉल, खाक शॉपिंग हॉल, बस यही लाई हूँ। बट इतना सा ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, 3-4 चीज़ें, ये आ गई 520 की, ये आई है और वो फ्रूट अलग से 120 का वो आया, इतना तो होता ही है, तो यही लाया यार मैंने। तो अभी मैं हुक शुक लगाऊंगी, संतरे फिलहाल बैग से अभी निकाल रही हूँ, आई लव ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस बहुत, मुझे साइट्रस फ्रूट कोई भी हो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो ये सब कुछ लाई थी, तो ये थी आज की शॉपिंग, अभी मैं लगाऊंगी इनको हुक शुक लगाऊंगी, तो ये चीज़ें। तो बाकी जो अमेजोन से सामान जैसे मैंने आपको बताया है, वो आप सबसे मैं शेयर करूँगी, सबसे शेयर करूँगी। कुछ ज़्यादा मजाक हो रहा है, या तो अकेलेपन में मैं पागल हो चुकी हूँ, साइको हो चुकी हूँ, वो भी हो सकता है। तो एक मिनट, कोई आया है, मैं देखती हूँ कौन है। तो ये हमारे गार्ड भैया थे एक्चुअली, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरे दूसरे रूम में बेड्स, भैया जब मैं आई तो मुझे बेड्स देखने को मिले, भैया ने बेड्स रखे थे बाहर। मेरे दूसरे रूम में एक्चुअली बेड नहीं है, जैसे इधर बेड है तो वहाँ पे मैंने सिटिंग, दूसरे रूम में सिटिंग का ही किया हुआ है। तो लेकिन उन्होंने वो जो सिंपल प्लाई वाले वो फोल्डिंग बेड्स होते हैं ना, वो दो रखे थे, फिर भी चलो ठीक है, रूम को थोड़ा सा हम डेकोरेट कर सकते हैं, सफाई वगैरह अच्छे से हो सकती है। तो जो नीचे बिछाया होता है ना, उसको मतलब इवन मैं कहूँगी कि वीक में भी 2 बार उठाना बहुत मुश्किल होता है यार, मेरे से नहीं होता इतना। तो वो तो उसमें ना वो नट नहीं थे लगे हुए, नट उसमें ना गायब थे। तो अब मैं ना दोपहर में, एक्चुअली परसों उन्होंने मुझे दिए, तो अभी भैया ना ये उनके नट कुछ गायब थे उसमें, तो ये नट देके गए हैं। लेकिन हुआ क्या कि मैं सुबह जाके मैं खुद ही ले आई थी, वो दिखाती हूँ, मैं खुद जाके ये देखो खुद से ही ले आई थी, ये नट लेके आ गई थी, और मैं यही वाले लगाऊंगी क्योंकि ये मैंने लाए हैं, यही वाले लगाऊंगी। तो ये देखो, ये मुझे ऐसे जंग खाए हुए लग रहे हैं, तो ये ना मेरे वजन से गिरी जाए बेड। तो ये लाई थी, और मुझे एक दो जगह वो, क्योंकि मैंने वो वॉल हैंगिंग्स वगैरह जो मंगाई हैं उनके लिए मुझे कील भी चाहिए थे, तो ये छोटू 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 सी अगर आपको दिख रहे हो, कील लाई हैं थोड़े बहुत, तो ये मैं बाद में करूँगी। ये मेरा संडे का काम है, संडे का काम है, ये बेड शेड लगाना, उस कमरे को ठीक करना, वो संडे का मेरा
होमवर्क है। तो चलिए, तो ये ब्लॉग मैं करती हूँ आज का यहीं पे ख़त्म ख़त्म ख़त्म, और मिलते हैं आपसे सोलो ब्लॉगिंग सीरीज़ के अगले ब्लॉग में, जो कि आएगा कल। और कल आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि नहीं बताऊँगी, कल ही बताऊँगी, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ा सा घर से बाहर, बट अभी नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, आई एम ऑब्सेस्ड विद माय नेल्स, एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज स्मृति कॉल एंटरटेनमेंट, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना बहुत बहुत सपोर्ट दीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मेरे वीडियोज़ को बहुत लाइक करिए, बहुत शेयर करिए, बहुत कमेंट करिए, और अपना बेशुमार प्यार दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे चैनल को, मुझे, मेरी फैमिली को और पूरी दुनिया को। सो स्टे ब्लेस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ इनफैक्ट, एंड जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।